कहा वे दोनों नहीं आएंगी, मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। कर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाढ़ खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं, वे आएंगे और अवश्य आएंगे। मानो वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं, क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कर अपने आखेट कर्म को भूल वो गुरुद्रु भीम भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगा। अपने भक्तों पर सदा ही दया करने वाले भगवान भोलेनाथ गुरुद्रु का उद्धार करने के लिए उस भयानक वन में पहुंचे, परंतु उससे पूर्व
गुरुद्रु, हत्या करना पाप किंतु कर्म न करना भी तो पाप है, और तुम्हारा कर्म ही ऐसा है जो ना चाहते हुए भी तुम्हें पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें वो काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानि के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि, आज के इस पावन दिन बेलपत्रों से हमारी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा ये कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। ये दिव्य रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य योनि प्राप्त हुई है। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी ही भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए और श्रृंगेरपुर के राजा बन गए। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर और शिव आराधना को अपने मन में उतार कर राज सुख का उपभोग कर त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट हो, और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरुद्रु, तुमने महाशिवरात्रि के दिन शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। महाशिवरात्रि के दिन जो शिव भक्त तुम्हारी ये कथा सुनेगा उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हो। कल्याण भव। तो शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को हम सब शिव तत्व की खोज इस कारणवश करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे अंधकारमय जीवन में सत्य का शिवमय प्रकाश आ सके, हमारा जीवन सुंदर बन सके। सत्य है कि महाशिवरात्रि हम शिव भक्तों के जीवन में सुखों की धात्री बनकर आती है। आओ, आज हम सब महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें। बोलो जय जय शिव शंकर। Oh,
करे दुख से सुख का मिला तू करे दुख से सुख का मिला तू करे शुभ रात्रि।